उम्मेदपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में प्रशासन गांवों की संग अभियान 2021 के अंतर्गत भू अभिलेख स्तर पर सोमवार को फॉलो अप शिविर के दौरान 22 विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की ओर से विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। शिविर प्रभारी तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, विकास अधिकारी पारसमल जी नगर व सरपंच स्वरूप कन्वर की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर शिविर प्रभारी को अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मोरुआ उम्मेदपुर ग्रामवासियों द्वारा शिविर प्रभारी को ज्ञापन के जरिए पानी की समस्या, नर्मदा पाइपलाइन बिछाने में एक वर्ष 2021 की अनुदान राशि नहीं मिलने बाबत ज्ञापन दिया गया है। विद्युत विभाग JEN इंद्र कुमार प्रजापत ने ग्राम की जनता को विद्युत संबंधी प्रति माह राज्य स्तर की ओर से 50 यूनिट माफ, एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार प्रति माह 1000 की राशि का वहन राज्य सरकार अदा करेगी। शिविर में ग्रामीण जनता को डॉक्टर जितेंद्र कुमार बाल संरक्षक अधिकारी जालोर समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन पालनहार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में निम्न जानकारी दी गई। शिविर के दौरान इंद्र सिंह निवासी पचानवा ग्राम पंचायत, डूडी याली ग्राम पंचायत ग्राम सरपंच बलाराम देवासी, ग्राम विकास अधिकारी विनीता मीणा के साथ विकास अधिकारी पारसमल जिनगर को ज्ञापन देकर इंद्र सिंह की माताजी लाड़ कवर गणपत सिंह पचानवा की जमीन आबादी में है, जो ग्राम पंचायत डोडी याली शिकायतकर्ता को तुरंत पट्टा जारी करने का निर्देश दिया है। इस दौरान शिक्षा विभाग मनोहर सिंह मेहरू, पशु चिकित्सा मेघाराम, इरशाद अली सरपंच पावटा, तेज सिंह डोडियाली सरपंच बलाराम देवासी, सेदारिया सरपंच जगत सिंह ग्राम विकास अधिकारी उम्मेदपुर पावटा राजेश देवल, डोडियाली पंचायत ग्राम विकास अधिकारी विनीता मीणा, सेदरिया ग्राम विकास अधिकारी राम स्वरूप, समस्त विभाग अधिकारी एवं ग्रामीण जनता की मौजूदगी रही। अगर अपन का अर्जेंट में है वो आपने मेयर से हमारे क्यों, अगर अपन का आज सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि जो बिल आ रहे थे प्रतिनिधि हमारे पास भी आते थे ऑफिसों में और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, इतना बिजली बिल की महंगी बिजली थी, पूरे ऑल इंडिया में सबसे बिजली महंगी थी, वो राशन नहीं थी। एक स्कीम और चल रही है कृषि प्रदर्शन के हेतु बिजली माफी की, किसान मित्र योजना, जिसमें एग्रीकल्चर डेवलप एग्रीकल्चर बैंक इनके प्रति माह 1000 रुपये, 12 महीने के 12000 रुपये सब्सिडी मिल रही है, वो भी